योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर यह बैठक की जाती है, कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के रोज बैठक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से जितने भी काम किए जा रहे हैं बेहद तारीफ के काबिल है। अस्पतालों का निरीक्षण करने की बात हो, ट्रूनॉट मशीन लाने की बात हो, यूपी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीज की निगरानी रख रहे हैं, हर एक चीज के बारे में बारीकी से स्वयं ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी लेते हैं। जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं और लगातार अपील की जा रही है सभी से कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और बेवजह घर से बाहर ना निकला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना रोकथाम के लिए एक मिनी लॉकडाउन का भी किया है। अब यूपी में सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहता है जिससे जो बाजार है उनको सैनिटाइज किया जा सके और जो आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही किसी तरीके से जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जा सके, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। लगातार वो आंकड़ों को लेकर जानकारी हासिल करते हैं, कहां क्या कुछ कमी है, क्या कुछ और चीजें प्रयास करने की जरूरत है, क्या कुछ नया किया जा सकता है जिससे किसी तरीके से कोरोना की जो लड़ाई है उसको हम जीत सके और कोरोना हार सके। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, वो लगातार अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश देते हैं कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है। और बात की जाए अगर अस्पतालों की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही अस्पतालों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और मरीजों से भी बात करते हैं कि आपको हर एक चीज की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, इलाज किस तरीके से मिल रहा है। लगातार वो हर एक चीज को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों का जिस तरीके से यूपी में आना हुआ था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सतर्क है। रोजगार की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, लगातार उनसे बात कर रहे हैं वो, जो प्रवासी मजदूर उनके अकाउंट में पैसे भिजवाए जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, हर एक चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क है। टीम 11 के साथ डेली वो बैठक करते हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हैं, कोरोना को लेकर वो समीक्षा करते हैं, अपडेट लेते हैं, क्या कुछ हालात हैं, कहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जिलाधिकारियों को फिर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कैसे अपने जिले का वो ख्याल रखें, क्या कुछ कमियां हैं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार एक ही चीज की अपील की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, दो गज की दूरी बेहद जरूरी। जी हाँ बिल्कुल, दो गज की दूरी बेहद जरूरी हो चुकी है आज के समय में, कोरोना काल के समय में। और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप तत्काल रूप से अपनी जांच करवा लें। और बुजुर्ग और बच्चों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, बच्चों और बुजुर्ग से थोड़ा सा दूरी बना के रखें क्योंकि उनका इम्यून जो सिस्टम होता है वो बेहद कमजोर होता है और ऐसे में वो कोरोना से आसानी से लड़ नहीं पाते। तो बच्चों और बुजुर्गों को अपना बेहद ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कोरोना काल के समय में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी से यही अपील कर रहे हैं, दो गज की दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाजारों में बेवजह भीड़ ना लगाएं। बाजारों को रोज सैनिटाइज किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीज को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं, कोई भी कमी नहीं आ रही है। अस्पतालों का निरीक्षण वो लगातार करते रहते हैं, अधिकारियों से बात करते रहते हैं, डॉक्टरों से भी बातचीत करते रहते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ
टीम इलेवन के साथ बैठक कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम इलेवन के साथ बैठक कर रहे थे। बढ़ते खबरों की ओर, अमरोहा जनपद के थाना देहात इलाके के विकली गांव में कक्षा 10 के छात्र वरुण और उसके सहपाठी भानु ने की गला घोटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा कि भानु